जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी तो घड़ी, ओ मितवा तेरे बिना लगना जीरा, ओ मितवा तेरे बिना लगना ओके दोस्तों नमस्कार, आप डॉक्टर निशांत गौड़ में स्वागत है आपका इस। और अभी तक आपने हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। ठीक है, ये आज का वीडियो बीटेक के लिए है, टनल इफेक्ट। ठीक है, तो टनल इफेक्ट में हम यहाँ दिखा रहे हैं, आपको देख रहे हैं आप स्पीकर में देखिए यहाँ पर 3 रीजन है, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन एंड थर्ड रीजन। ठीक है, तो ये टनल, ये कोई पार्टिकल है। ठीक है, ये इधर से इसका एक पार्ट होगा इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्ट पार्ट होगा, ऐसे ही ये इसको बेरियर को पार करेगा, सेकंड रीजन में कर पाता है नहीं कर पाता है वो बात करते हैं, थर्ड रीजन में है ये इसको पार कर जाएगा लेकिन रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगा, सिर्फ इन्फिनाइट की तरफ जाएगा तो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगा ये। और ये हमारी बाउंड्री कंडीशन है एक्स बराबर जीरो और एक्स बराबर ए पर, जो पार्टिकल है वो अगर इसके अंदर है, टनल के अंदर है, ये टनल है हमारी, टनल माने होता है गुफा या गुहा। ठीक है, तो उसके अंदर हमारा पार्टिकल है, उसके अंदर ये एक पोटेंशियल बैरियर दिया हुआ है जिसकी हाइट कितनी है, वी नॉट, वी जीरो पोटेंशियल के बराबर है, और ये इसकी पार्टिकल की एनर्जी कैपिटल ई है। ठीक है, और ये हाइट के बराबर पोटेंशियल रहता है वी एस और वी नॉट, तो ये बताया गया इसमें, ये एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस ली हुई है, इसको एक्स बराबर जीरो दिया हुआ है पहले और एक्स बराबर ए दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लिख रहे हैं वन डायमेंशनल प्रॉब्लम के लिए पोटेंशियल फंक्शन लिखा है वी एक्स बराबर जीरो है, अगर वी एक्स बराबर जीरो है तो ये कब है, एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो मतलब ये वाली कंडीशन है, यहां पर हमारा ये जीरो है। ठीक है, तो ये कंडीशन है एक्स इज लेस देन जीरो। ठीक है, और वी एक्स बराबर वी जीरो ये कब है, वी एक्स बराबर वी जीरो कब है, ये आपका जब सेकंड रीजन में है ये। ठीक है, तो ये हो गया जीरो इज लेस देन इक्वल एक्स इज लेस देन इक्वल के एंड थर्ड वी एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये कब है, एक्स इज ग्रेटर देन ए, एक्स जब जो है डिस्टेंस जो है ए से ज्यादा हो जाता है, ए से ज्यादा हो जाता है तब हमारी ये कंडीशन फुलफिल होती है। तो ये पोटेंशियल्स की वैल्यू है, वी एक्स की वैल्यू है, इसको हमने इक्वेशन वन डाल दिया है यहाँ पर। ठीक है, फिर लिखते हैं सरंडी इक्वेशन फॉर फर्स्ट रीजन, पहले रीजन के लिए हम सरंडी इक्वेशन लिख रहे हैं, इस रीजन के लिए इक्वेशन और टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन डेल स्क्वायर साइड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एम ओवर एच नॉट स्क्वायर ई साई वन इक्वल टू जीरो, इक्वेशन टू हो गया। यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, जीरो है, आपको बताया ये जीरो है, तो ये हो जाएगा। तो संडी इक्वेशन सेकंड ईयर के लिए भी जैसे लिख दिया, डेल स्क्वायर साइड टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एम ओवर एच नॉट स्क्वायर ई माइनस वी जीरो साइड टू इक्वल टू जीरो, इक्वेशन थ्री होगा। ऐसी थर्ड ईयर के लिए डेल स्क्वायर साइड थ्री डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एम ओवर एच नॉट स्क्वायर ई साई थ्री इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन फोर हो गया इस रीजन थर्ड ईयर के लिए। ठीक है, इन इक्वेशन टू थ्री फोर का हमने जनरल सॉल्यूशन लिख लिया, क्या लिखा है, जनरल सॉल्यूशन लिखा है साई वन इक्वल टू ए वन ई टू पावर आई के वन एक्स प्लस बी वन ई टू पावर आई के वन एक्स, ये इक्वेशन फाइव हो गया। ऐसी साई टू के लिए इक्वेशन थ्री के लिए लिखा है साई टू पावर ए टू ई टू पावर आई के टू एक्स प्लस बी टू ई टू पावर माइनस आई के टू एक्स, ये इक्वेशन सिक्स हो गया। साई थ्री पावर ए थ्री ई टू पावर आई के वन एक्स प्लस बी थ्री ई टू पावर माइनस आई के वन एक्स, ये हो गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई तीन, साई वन साई टू और साई थ्री, ये तीनों टू थ्री और फोर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उनका सॉल्यूशन है ये। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो पेनिट्रेट करेगा, जो जो द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेनिट्रेशन है, जो इसको बैरियर को पेनिट्रेट करने की कंडीशन है वो कब है, इवन ग्रेटर इफ वी जीरो माइनस ई, वी जीरो माइनस ई, वी जीरो इज माइनस ई एंड स्मॉल ए आर स्मॉल। ठीक है, जो स्मॉल ए है वो बहुत कम हो तभी ये पार्टिकल इसको ये पेनिट्रेट कर जाएगा, इस पोटेंशियल बैरियर को पार कर जाएगा जब स्मॉल ए हमारा स्मॉल हो। ठीक है, मोर एवर इफ कैपिटल ई इज ग्रेटर देन वी जीरो, जो एनर्जी है पार्टिकल की वो ज्यादा है वी जीरो से, तो क्लासिकल में प्रेडिक्शन जो देखते हैं पार्टिकल विल ऑलवेज ट्रांसमिट, जो पार्टिकल है हमेशा उसको बैरियर को ट्रांसमिट कर जाएगा अगर कैपिटल ई इज ग्रेटर देन वी जीरो है। वाइल और लेकिन इसके विपरीत वेव मैकेनिक्स है, जो क्वांटम मैकेनिक्स है, पार्टिकल विल ऑलवेज बी ट्रांसमिटेड
वाइल अकॉर्डिंग टू वेव फंक्शन द पार्टिकल हैज ए फाइनाइट प्रोबेबिलिटी, एक प्रोबेबिलिटी है क्वांटम मैकेनिक्स के वो उसको पार कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, हेंस इट इज नॉट सर्टेन, ये सर्टेन नहीं था पार्टिकल विल पेनिट्रेट द बैरियर। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि हाँ पार कर जाएगा, ई इज ग्रेटर देन वी जीरो है और ई ग्रेटर देन वी जीरो है, क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि हाँ पार कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, दोनों ही बातें हैं। ठीक है, तो ये देखा हमने, देन इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमने लिया हुआ है इसके सॉल्यूशन है जो ये है पॉजिटिव एक्स पार्ट को, ये पॉजिटिव एक्स पार्ट को बताता है मतलब जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, और ये जो रिफ्लेक्ट हो क्या रहा है यहाँ पर माइनस लिया हुआ है माइनस बताया, तो साई वन बराबर ए वन ई टू को आई के वन एक्स प्लस बी वन माइनस माइनस साइन क्या बता रहा है रिफ्लेक्ट वाला जो पार्ट है जो रिफ्लेक्ट हो क्या रहा है उसको लिया है यहाँ पर, ऐसे समय है ये। ठीक है, साई वन साई टू और साई थ्री के लिए। ठीक है, ये हमारे जो कॉन्स्टेंट है ऊपर लिए टू एम ओर एफ डी इक्वल टू के वन स्क्वायर मान लिया है टू एम ई माइनस बी वन ओवर एस नॉट स्क्वायर, ये क्वेश्चन कहाँ है ये वाली टू एस ये। ठीक है, तो ये लिया हुआ के टू मान लिया हमने। ठीक है, तो इस तरह से इसको लिया हुआ है और बी जीरो माइनस बी जीरो ये के टू हो गया, तो साई थ्री साई थ्री अब साई थ्री अब इसमें क्या है ये इसमें तो होगा इसमें भी होगा लेकिन इसमें जो है ये जाएगा पार्टिकल इंसिडेंट तो होगा लेकिन इन्फिनाइट पे जा रहा है तो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगा, तो रिफ्लेक्ट होगा तो इन्फिनिटी रखेंगे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी इन्फिनिटी रख देंगे इसमें इन्फिनिटी रख देंगे तो क्या आ जाएगा ये इक्वेशन है जो ये फॉर्म आ जाएगी साई थ्री बराबर ए थ्री टू द पावर आई के वन एक्स, इक्वेशन नाइन आ जाएगी साई वन टू साई थ्री बाउंड्री कंडीशन लगा दी साई वन टू साई टू एक्स एक्स टू जीरो तो साई वन और साई टू बराबर होंगे डेफिनेट फाइनल वैल्यू होगी और एक्स और ए पर साई टू और साई थ्री बराबर होंगे तो इक्वेशन टेन आ गई। ऐसे ही इसको और कर देते हैं इसी को हम पार्शियल डिफरेंशिएट कर देते हैं डेल साई वन ओवर डेल एक्स और डेल इक्वल टू डेल साई टू ओवर डेल एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो इक्वेशन आ गया डेल साई टू ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल साई थ्री ओवर डेल एक्स एट एक्स इक्वल टू ए आ गया, तो ये दोनों इक्वेशन आ गई। ठीक है, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, अब हम क्या कर रहे हैं बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं किस पर टेन ए इक्वेशन टेन ए इक्वेशन टू फाइव एंड सिक्स भी है। ठीक है, तो ए वन प्लस बी वन इक्वल टू ए टू बी टू आ जाएगा इक्वेशन ट्वेल्व आ गया। ऐसे ही अप्लाई बाउंड्री कंडीशन टेन बी इक्वेशन सिक्स एंड नाइन, तो ए टू इटू पावर आई के टू ए प्लस बी टू इटू पावर माइनस आई के टू ए इक्वल टू ए थ्री इटू पावर आई के वन है ये थर्टीन आ जाएगा। ऐसे ही डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फाइव डिफरेंशिएटिंग कर दिया इक्वेशन फाइव सिक्स एंड नाइन को, तो डेल साई वन ओवर डेल एक्स डेल साई टू ओवर डेल एक्स डेल साई थ्री ओवर डेल एक्स ये तीनों की वैल्यू आ जाएगी फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन से। ठीक है, देन अप्लाई बाउंड्री कंडीशन इलेवन ए एंड इलेवन बी टू दीज इक्वेशन इलेवन ए और इस पर अप्लाई कर दीजिएगा तो इक्वेशन आ जाएगा ए वन माइनस बी वन इक्वल टू के टू ओवर के वन यू टू ई सेवेंटीन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ए टू ई टू पावर आई के टू ओवर ए माइनस बी टू ई टू पावर माइनस आई के टू ए इक्वल टू के वन ओवर के टू ई टू पावर आई के वन ए ये इक्वेशन एटीन आ जाएगा। सॉल्व इक्वेशन ट्वेल्व एंड सेवेंटीन ट्वेल्व एंड सेवेंटीन को सॉल्व करेंगे और ए वन बी वन की वैल्यू निकालेंगे, ए वन की वैल्यू क्या आएगी ए टू ओवर टू ए टू आई टू वन प्लस के टू ओवर के वन प्लस बी टू ओवर टू वन माइनस के टू ओवर के वन ये नाइनटीन आएगी। बी वन की वैल्यू क्या आएगी ए टू ओवर टू वन माइनस के टू ओवर के वन प्लस बी टू ओवर टू वन प्लस के टू ओवर के वन ये इक्वेशन ट्वेंटी आ जाएगी। सॉल्विंग इक्वेशन थर्टीन एंड एटीन ए टू और बी टू की वैल्यू हम यहाँ निकाल लेंगे तो ए टू बी टू की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी ये आ जाएगी ए टू बराबर ए थ्री बाई टू वन प्लस के वन ओवर के टू ए टू ओवर आई के वन माइनस के टू ए इक्वेशन ट्वेंटी वन एंड बी टू की वैल्यू आ जाएगी ए थ्री ओवर टू वन माइनस के वन ओवर के टू ई टू ओवर आई के वन प्लस के टू ए तो इक्वेशन ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी टू हो जाएगी। ठीक है, तो ये अभी तक का जो पार्ट है वो हमने थोड़ा पार्ट अगले लेक्चर में हम बताएंगे जो बी टेक का हम अगला लेक्चर लेंगे टनल एफर्ट का उसमें उसको पूरा करेंगे और ये कैसा लगा आपको ये बताइएगा हमें, अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा वीडियो को। वाह फिजिक्स बाय डॉक्टर निशांत गौर, थैंक यू वेरी मच।